चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पानीपत में एक हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के वहां तमाम तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यहां काम करने वाले मजदूर ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्हें ना तो हेलमेट दिया गया है और ना ही कोई सेफ्टी बेल्ट है। इसके चलते कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बता दें कि बिल्डिंग के निर्माण कार्य का काम कुरुक्षेत्र की कंपनी सतीश कुमार गुप्ता इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, और मामले में अधिकारियों को संज्ञान देने के बावजूद मजदूरों को कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाया गया है। देखिए, इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में, और मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये बिल्डिंग देख रहे हैं, नई बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने कैमरामैन को फिर कहूंगा कि एक बार वो फिर दिखाएं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं, कोई सेफ्टी, आप सेफ्टी का अगर उन पे ध्यान देखें तो कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई सेफ्टी बैंड है किसी भी तरीके से। और काफ़ी ऊंचाई जो है, मैं कहूंगा कि ये जो बिल्डिंग है कम से कम 45 से 50 फुट लंबी बिल्डिंग होगी। लेकिन तमाम मजदूर, हमने वीडियो भी इसमें कलेक्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इधर की तरफ मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि सतीश कुमार गुप्ता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कुरुक्षेत्रा वाले जो हैं, उनको शायद यहाँ का कॉन्टैक्ट मिला हुआ है। और जो भी सज्जन हमारे सामने बैठे थे, उनके सामने भी हमने ये चीज़ें रखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस मामले में कोई मजदूर की दुर्घटना, गिरने, कुछ भी अचानक कुछ भी होता है, तो उसके लिए कौन जवाबदेही है और किस तरीके का यहाँ का काम चल रहा है। ये सभी चीज़ों को लेकर जो है लगातार सरकार की गाइडलाइन भी दी जाती है, लेकिन कोई गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और कारण यही है कि अब भी तमाम मजदूर जो हैं वो ऊपर जो हैं बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी गार्ड के काम कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।